दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। शहडोल जिले के जयसिंह नगर क्षेत्र अंतर्गत दरावड़ी में संचालित स्टोन क्रेशर संचालकों की मनमानी से क्रेशर किनारे बसे गांवों में अब जल संकट मंडराने लगा, क्योंकि इन क्रेशर संचालकों द्वारा बिना वैध अनुमति के लगातार डायनामाइट लगाकर पत्थरों का उत्खनन किया जा रहा है, जिससे भूजल के साथ साथ क्रेशर किनारे बने घरों पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। वहीं कृषि योग्य भूमि भी बंजर बंजर होती जा रही है, क्योंकि इन क्रेशर संचालकों द्वारा पर्यावरण विभाग के नियमों के विरुद्ध क्रेशर संचालन की अनुमति मिली हुई है। जबकि नियमों के मुताबिक क्रेशर के आसपास वृक्षारोपण करना एवं क्रेशर के चारों तरफ 8 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल का निर्माण होना आवश्यक है, जिससे क्रेशर से उड़ने वाली धूल को रोका जा सके। लेकिन जिले के जयसिंह नगर तहसील में संचालित अधिकांश क्रेशर संचालक बिना किसी मापदंड के ही मनमानी पूर्ण तरीके से क्रेशर संचालित किए हुए हैं। अब देखना होगा कि क्रेशर संचालकों की मनमानी पर रोक लगता है या फिर कोई ठोस कार्यवाही होती है। दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।